भैया। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद है मैंने कल 4 क्वेश्चन दिए थे आपको और बोला था कि आप ट्राई करिएगा, ठीक है। मुझे सिर्फ एक ही बच्चे ने इसका अभी तक आंसर भेजा है, या 2 बच्चों ने भेजा है, ठीक है। एक है हर्ष राणा और एक आदित्य बेटा, सिर्फ 2 बच्चों ने भेजा है और किसी ने ट्राई किया या नहीं किया आई डोंट नो, ठीक है। राइट तो अगर किसी ने किया है तो वो प्लीज यस या नो में जवाब दे, ठीक है ना। राइट अगर आप नहीं कर रहे हैं बेटा तो प्लीज, हाँ फिर कि कुछ बच्चों ने, 3-4 बच्चों ने और बोला है हमने किया है हमने किया है, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हैं बेटा तो प्लीज, हाँ आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, टीचर आपको कह सकता है बेटा, सोचिए, ठीक है। क्वेश्चन थे, एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए था। अगर जिसने ट्राई किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो बेटा उसके नंबर कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, ही हिमसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल बेटा, है ना, ठीक है ना। राइट तो आइए मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ वो जो 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था, 2.08 ग्राम ऑफ आइडियल गैस वॉज कन्फाइंड इन अ 1 लीटर फ्लास्क एट 1 एटीएम प्रेशर एंड एंड टी टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 30 डिग्री द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द गैस इज एट 8%। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अ गैस एंड फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। मैंने इसका आंसर दिया था, मुझे हर्ष ने करके भेजा हुआ है, ठीक है ना। मैं वो दिखा रहा हूँ जो हर्ष ने मुझे करके भेजा हुआ है, फिर मैं आपको अपनी कॉपी भी दिखा दूंगा। राइट, हर्ष हैज डन द राइट, ठीक है। सो अगर आप ये देख पाते हैं हर्ष ने किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, वेट 2.08 था, इनिशियल वॉल्यूम वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, प्रेशर कितना था 1 एटीएम। तो अगर 8% इंक्रीज हो गया तो फाइनल प्रेशर जो हो गया वो क्या हो गया, 1.08 एटीएम हो गया। और इनिशियल टेम्परेचर अगर टी है तो फाइनल टेम्परेचर होगा T+30, राइट। और वॉल्यूम कांस्टेंट है, दिस मींस वी कैन अप्लाई गे लुसेक्स लॉ, P1/T1 = P2/T2। यहां से हम टी कैलकुलेट कर लेंगे, तो अगर हमें टी मिल जाएगा मतलब T1 मिल गया, तो हम T2 भी कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। यूज हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे एंड वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस, ठीक है। राइट, तो हर्ष ने बिल्कुल सही किया है। राइट, मैं भी अपनी कॉपी दिखा रहा हूँ सो दैट आप उसको नोट कर सके, तो नोट कर लीजिएगा, अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात। राइट, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, प्रेशर कितना था 1 एटीएम, P2 कितना था 1+8/100, P2 = 1.08, इनिशियल टेम्परेचर टी था, फाइनल में T+30 हो गया। सॉल्व किया तो T1 मिल गया हमें, T मिल गया 375, मतलब T1 कितना है 375,
तो टी टू मिल जाएगा 405 बाय यूजिंग पी बी इज इक्वल टू एनआरटी एम विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 64 ग्राम पर मोल. क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन? क्लियर है आपको सभी को ये क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ग्राम एंड इतना किलो पास्कल, मतलब सॉरी 100 ग्राम कह रहा हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एंड इतना किलो पास्कल इज अ प्रेशर, द डेंसिटी ऑफ अ फॉस्फोरस वेपर इज इतना केजी पर मीटर क्यूब, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पी अंडर दिस कंडीशन. मतलब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है? तो अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है राइट. तो आइए देखते हैं इसको मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है? ये भी हर्ष ने सही किया है राइट. प्लीज इसमें यूनिट का ध्यान रखना है, ये यूनिट इंपॉर्टेंट था. इसमें प्रेशर इतना था, टेम्परेचर मैंने केल्विन में कर लिया है तो कितना हो गया 373 हो गया, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब था और आर है 8.314, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने 8.314 लिया हुआ न्यूटन, यूनिट क्या लिया हुआ न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट ले रखी है, ठीक है राइट. तो डेंसिटी इज इक्वल टू है पीएम अपॉन आरटी, कल हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, डी इज इक्वल टू पीएम अपॉन आरटी, तो एम हो जाएगा डी आरटी अपॉन पी. तो डेंसिटी कितनी है 0.06388 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है? तो प्लीज ये केजी है, इसमें को कन्वर्ट कर लेंगे हम किसमें, ग्राम में. तो यहाँ पे मैंने 10^3 क्या लिख दिया ग्राम, मीटर क्यूब को वैसे ही रहने दिया और R की वैल्यू थी 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन और टेम्परेचर है 373 केल्विन और जो प्रेशर है किलो पास्कल को मैंने पास्कल में लिख दिया, तो पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 1.60 × 10^3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं यूनिट को कैंसिल करेंगे, 10^3 कैंसिल हो गया. यहाँ पे देखिए ये मीटर था, ठीक है ना, ऊपर मीटर है और यहाँ डिनोमिनेटर में मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मीटर बचेगा, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा. ये पर केल्विन है, मतलब केल्विन नीचे है डिनोमिनेटर में है और ये केल्विन न्यूमरेटर में, तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो जो सब कैंसिल आउट होने के बाद आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ग्राम पर मोल बचेगा, दैट इज अ यूनिट ऑफ ए मॉलिकुलर मास. इसको सॉल्व करेंगे तो मॉलिकुलर मास मिलेगा आपको 123.8. अब हमें पता है जो फास्फोरस का एक एटम का मास कितना होता है 31, तो m इज इक्वल टू कितना होगा n इंटू 31, वेयर n इज फास्फोरस एटम, तो n इंटू 31 इज इक्वल टू 123.8. तो n जब सॉल्व करेंगे तो n जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, p4 मिलेगा. कितना मिलेगा? p4. तो जिसका भी आंसर p4 है वो बेटा उसका आंसर सही है, जिसने भी ट्राई किया है ऑनेस्टली राइट, तो उसका आंसर बिल्कुल सही है. तो P4 इज द करेक्ट आंसर राइट. ये सब अच्छे क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, सो दैट ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आपसे अपने आप अप्रोच डेवलप करो कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, 0.553 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड क्रिएटेड अ प्रेशर ऑफ इतना एटीएम इन अ बल्ब ऑफ इतना ml at the rate of 100 degree celsius. Analysis shows that it would be, ठीक है, 82.7% boron. Calculate the molecular formula. Right? ये question भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं ये वाला question था अभी हमने discuss किया था. तो यहाँ भी हम molecular weight calculate करेंगे, वह पहले using PV is equal to nRT. तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, PV is equal to nRT and weight upon molecular weight. तो molecular weight क्या हो गया, weight into R into temperature into pressure into volume. तो यहाँ से जो molecular weight आएगा वो 55.11 ग्राम पर मोल आएगा. अब जो कंपाउंड है वो बोरॉन और हाइड्रोजन का है, इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज बोरॉन और हाइड्रोजन 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कितना परसेंट है या कितना ग्राम क्या होगा बोरॉन होगा, 85.7 ग्राम क्या होगा बोरॉन, तो इतने में कितना होगा, तो हम सॉल्व कर लेंगे तो वो कितना आएगा 45.57 ग्राम क्या आएगा बोरॉन आ जाएगा.
और बोरॉन का एटॉमिक मास कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 11 के बराबर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो बोरॉन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इतना मास कितना था बोरॉन का था, इतना मास टोटल था, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें अमाउंट ऑफ क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। हाइड्रोजन का मॉलिकुलर वेट ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 नहीं करेंगे क्योंकि 10 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, 9 से थोड़ा कम है, इसीलिए हमने क्या लिया है, 9 लिया, नहीं ना कि क्या लिया है, 10 लिया है। तो करेक्ट फॉर्मूला है B4H9, द कंपाउंड इज B4H9। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जब हम पी ब्लॉक करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। टेल मी हु हैज कैलकुलेटेड द करेक्ट, मुस्कान का करेक्ट आंसर है। Anybody else has done it and he find the this answer? Anybody else? Muskan, except Muskan. Nobody has tried. नहीं, हाँ, try नहीं करेंगे बेटा, तो I will not be a responsible and no teacher and no institute will be responsible for your selection. ठीक है हर्ष बेटा, हाँ मुझे पता है हर्ष आपका 10 आया था, बट अगर ये 10 से कम 9 से कम वैल्यू है तो हम 9 एक्सेप्ट करेंगे, ना कि क्या करेंगे, 10 एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, राइट। क्योंकि जो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, B4H9 इज द आंसर, राइट। B4 अगर 10 है आपका तो भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे मॉलिकुलर वेट इसका 10.8 होता है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बट आप यहाँ पे ऑप्शन में जो गिवन था वो B4H9 गिवन था, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज B4H9, नॉट B4H10। हर्ष क्लियर है बेटा आपको, हर्ष हर्ष यू हैव गिवन द B4H10 बेटा, हर्ष हर्ष राणा, ठीक है बेटा, वेरी गुड हर्ष, हाँ आपने किया है, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट बेटा, हाँ ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था ये, ओपन वेसल वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। ओपन वेसल 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड अंटिल 3/5 ऑफ एन एयर In it has been expelled, बाहर निकल गई 3/5 of the gear, assuming that the volume is constant, वो जो मैंने बनाया था volume constant था, वहां भी यहाँ भी volume constant है। चार तीन part में question था, temperature at which 3/5 of the air is expelled, तो हम यहाँ पे कौन सा formula लगाएंगे बच्चों, tell me कौन सा formula लगाएंगे, who will tell which formula we will use in it, in this, फटाफट बताएंगे कौन सा formula use करेंगे। नहीं रोहन गलत answer है, N1 P1 तो मैंने कोई बताया नहीं है फॉर्मूला, ठीक है बेटा, कली लिखाया था फॉर्मूला हमने, N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2, तो N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2, तो आप देख सकते हैं मैंने लगाया N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। यहाँ पे ये अगर N कितना है, N1 N है, तो N2 कितना है, 3/5 N है, सो जब सॉल्व करेंगे तो N2 कितना आ जाएगा, सॉरी T2 कितना आएगा, 500 केल्विन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, द एयर एस्केप्ड आउट इफ द वेसल इज हीटेड एट 90, तो N1 इनिशियल N है, N2 नहीं पता हमें, तो हमने जब सॉल्व किया यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगाया N1 T1, तो N2 कितना मिल गया, N अपॉन कितना मिल गया, 3 मिल गया, राइट, कितना मिल गया, N अपॉन 3, राइट। नेक्स्ट है, सो द गैस एस्केप्ड कितना आएगा, सो द गैस एस्केप्ड कितना आएगा, 2N/3, तो जिसका 2N/3 आंसर था, मैंने फॉर्मूला भी बताया था गैस एस्केप्ड का, N1 - N2, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 2N/3। लास्ट क्वेश्चन था, द टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द गैस गेट एस्केप्ड, तो जब हाफ ऑफ द गैस एस्केप्ड होगा तो N और ये N2/2 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 600 केल्विन। एक्सीलेंट मुस्कान बेटा, हाँ ठीक है ना, वेरी गुड, जिसने भी हर्ष ने किया है आई अप्रिशिएट, जिन बच्चों ने किया हुआ है, और मैं श्योरिटी देता हूँ बेटा, जो बच्चे ऑनेस्टली कर रहे हैं, जो भी टीचर असाइनमेंट दे रहा है या DPP दे रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ बेटा, उनका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, जेनेसिस में पढ़ रहे हो या कहीं और पढ़ रहे हो, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई और पढ़ा रहा हो, ठीक है ना, अगर आप जो टीचर होमवर्क दे रहा है उसको ऑनेस्टली कर रहे हो, ठीक है ना, राइट, तो उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, आप मे भी कहीं भी पढ़ो बेटा, कहीं भी पढ़ो, ठीक है ना, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, फर्स्ट में क्या हर्ष, हर्ष आप कुछ कहना चाह रहे हो बेटा, एक मिनट हाँ, हर्ष यू वांट टू से समथिंग, हाँ हर्ष क्या कह रहे थे आप, हर्ष राणा मैंने अनम्यूट किया बेटा आपको, यू वांट टू से समथिंग सर, अगर टू बाय टू सर नहीं कर रही है तो सर टू, कोई बात नहीं बेटा, आपने टू बाय फाइव ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेवन बाय फिफ्टी आंसर आ जाएगा, सेवन फिफ्टी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, नो नीड टू वरी इट, मेरा मैंने यहाँ पे थ्री बाय फाइव लिया, आपने टू बाय फाइव लिया, कोई दिक्कत नहीं है, शायद मैंने क्वेश्चन में कितना गिवन था, क्वेश्चन में भी थ्री बाय फाइव ही गिवन था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कैलकुलेशन इज योर कैलकुलेशन इज राइट, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, सो दीज आर द फोर क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन यू यस्टरडे, राइट, आज मैं फिर आपको एक डीपीपी दूंगा, डीपीपी नंबर वन दूंगा, विच इज बेस्ड ऑन गैस लॉज, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है ना, उसको करेंगे, और गैस लॉ से पहले, राइट, आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के का असाइनमेंट कर लिया है, ठीक है ना, लास्ट एक और असाइनमेंट उसमें बचती है, जिस जो मैंने अभी तक नहीं दी है, और वो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, तो मैं एक पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर असाइनमेंट दूंगा, उसके बाद फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉल्व कर लीजिएगा, वो हार्डली 15-20 मिनट लगेगा आपको करने में, पहले नोट्स रिवाइज करिएगा, उसके बाद फिर आप उसको क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा डीपीपी, और कल मैं आपको पहला डीपीपी दूंगा गैस स्टेट का, विच इज बेस्ड ऑन क्या कहते हैं गैस लॉस, ठीक है, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है गैस लॉ के ऊपर, वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर वो कॉन्सेप्ट आपको आता नहीं होगा तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने अलग से डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें, और आपको अप्रोच पता हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो व्हाट शुड बी द करेक्ट अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट, तो मैं आपको अपने नोट्स ही दिखा रहा हूँ यार, यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ, तो टुडेज टॉपिक इज कनेक्टिंग बल्ब कॉन्सेप्ट, क्या है कनेक्टिंग बल्ब कॉन्सेप्ट, ऐसा क्वेश्चन हमने एक डिस्कस भी किया था जब मैं बॉयज लॉ करा रहा था, वन क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इट आल्सो, बट नाउ हम सारे लॉस पढ़ चुके हैं, सो अब हम क्या करेंगे, जितने भी इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, कि प्रेशर डिफरेंस है या टेम्परेचर डिफरेंस है, वो जो भी केसेस हैं वो सारे पॉसिबल केसेस अब हम डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज वी स्टडीड ऑल द गैस लॉस एंड वी नो ऑल द इक्वेशंस ऑफ गैस लॉस, सो दिस कॉन्सेप्ट आई एम टेकिंग सेपरेटली दिस कॉन्सेप्ट, राइट, सो प्लीज हाँ ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है ना, मुझे पता है जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन कराया था बॉयज लॉ में तभी भी कुछ बच्चों को दिक्कत थी, ठीक है ना, तो ये टाइम है कि वो जितनी भी प्रॉब्लम थी, हाँ बॉटल था या बल्ब था, यू बल्ब और यू बॉटल, यू कैन राइट इट बल्ब एज वेल एज बॉटल, है ना, एक ही बात है, ठीक है, राइट, सो देखिए यहाँ मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में ये क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, देर आर फोर डिफरेंट केसेस इन विच वी हैव आई हैव डिवाइडेड दिस कॉन्सेप्ट, आई एम डिस्कसिंग वन बाय वन, लेट्स लिसन इट, ठीक है ना, इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट इट ऑल्सो, बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू राइट जस्ट लिसन इट, ठीक है ना, यू कैन राइट इट लेटर ऑन आफ्टर द क्लास व्हेन आई विल सेंड यू द नोट्स, इट इज ओके टू यू, राइट, ठीक है, राइट, चलिए यहाँ, सो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, टू बल्ब्स आर कनेक्टेड विद अ स्मॉल ट्यूब ऑफ नेग्लेक्जिबल वॉल्यूम, ये जो ट्यूब है ये नेग्लेक्जिबल वॉल्यूम है, और यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है जो ये फ्लो को रोकने के लिए लगाया गया, ठीक है, तो पहला केस क्या है, फर्स्ट केस है वन बल्ब इज कंटेनिंग द गैस एंड अनदर इज एम्प्टी, पहले एक बल्ब में गैस है दूसरे बल्ब में गैस नहीं है, एम्प्टी है बल्ब, है बल्ब भी कंटेनिंग गैस और ये एम्प्टी है, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, राइट, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि वॉट इज द करेक्ट आंसर, लेट सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर, बल्ब ए हैज अ वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml, हमें पता है सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, एंड कंटेनिंग अ गैस, एंड कंटेनिंग गैस, बल्ब ए में गैस है एंड बी इज एम्प्टी, ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक द प्रेशर फेल डाउन टू 40%, द प्रेशर फेल डाउन टू 40%,
द वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी मस्ट बी. ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, मुझे बताओ कौन सा लॉ लगाएंगे यहाँ पे, विच लॉ वी विल, विच लॉ वी कैन अप्लाई, विच लॉ वी कैन अप्लाई ओवर हेयर, एनी बडी, विच लॉ वी कैन अप्लाई ओवर हेयर, बॉयज लॉ, बॉयज लॉ, वेरी गुड, हाँ बॉयज लॉ. ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर अ करेक्ट आंसर, आई एम वेटिंग फॉर अ करेक्ट आंसर, लेट्स सी हु गिव्स द आंसर, आंसर फर्स्ट, आई एम वेटिंग फॉर अ करेक्ट आंसर. हाँ करेक्ट, राइट, एक्सीलेंट मैक, एक्सीलेंट मैक बेटा, हाँ यू गॉट द करेक्ट आंसर, द 150 इज द करेक्ट आंसर बेटा, 150 सेंटीमीटर क्यूब और 150 ml इज द करेक्ट आंसर. Aditya also got the correct answer. Very good. Muskan has also given the correct answer. Okay. So now the solution is in the front of you. You can see it. N, R, N, T are constant. So we can use the Boyle's law to solve the problem. Very good. Huh? Navdeep is also given the correct answer. So V1 is 100 centimeter cube. Initial pressure P1 is P. V2 kitna ho jayega? 100 plus V. We don't know the volume. So क्योंकि टोटल वॉल्यूम हो जाएगा दिस प्लस दिस, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. नहीं मुस्कान, मुस्कान राइट आंसर इज 150 नॉट 130. सो द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बल्ब ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी, दैट इज वी टू इज इक्वल टू वी प्लस 100 एंड पी टू इज रिड्यूस टू 40%, मतलब 40% आ गया. तो अगर इनिशियल प्रेशर पी है तो फाइनल प्रेशर कितना होगा, 0.4 P, दैट इज 40/100 इंटू पी, दैट इज 0.4 P. When you solve it, you will get 150 centimeter cube. Few students have given the correct answer. Okay, Rahul, tell me first. You all the student बेटा, हाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया? Many student have joined. ठीक है, only 4 student has said ki mujhe samajh mein aaya, rest are, I don't know, they are not giving any respond, I don't know ki why they are not giving any respond, aur unko samajh mein bhi aa raha hai ki nahi aa raha, I don't know about it. I want 100% participation, har bacche ka participation hona chahiye, if theek hai, right. सो इट इज वेरी इजी. लास्ट स्टेप में क्या करना है, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू करना है. पी वन कितना था, पी था, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 100, फाइनल प्रेशर कितना था 0.4 इंटू पी, और फाइनल वॉल्यूम कितना था दिस प्लस दिस, तो इसका वॉल्यूम 100 था, इसका वॉल्यूम हमने वी मान लिया. सो वी प्लस 100 सॉल्व करेंगे तो वी क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर क्यूब आएगा. सो दिस इज द केस नंबर वन, वेन bulb A is containing a gas and bulb B is empty. Now this is the second case. Now this is the second case. ठीक है, right? Second case क्या है बच्चों? Both the bulb containing the gases but temperature still is constant. मतलब temperature दोनों का bulb का same है, temperature constant है. ठीक है, constant नहीं भी given होगा तो आप constant मान लीजिएगा. अगर temperature given नहीं है तो assume it as a constant, right? सो इसमें ये बल्ब ए है, बल्ब ए में हीलियम गैस है और बल्ब बी में आर्गन है, राइट. ठीक है, हमें पता है ये दोनों गैस क्या रिएक्ट करेंगी क्या आपस में, टेल मी विल दीज बोथ गैसेस विल रिएक्ट और नॉट, क्या इनमें बीच में रिएक्शन होगी क्या, नहीं कोई रिएक्शन नहीं होगी. तो इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी. अब देखिए यहां बल्ब ए का वॉल्यूम 1.25 लीटर है, प्रेशर 0.3 atm है, बल्ब बी का वॉल्यूम 2.5 लीटर है और प्रेशर 233 torr है. प्लीज याद रखेंगे यहाँ atm, यहाँ torr है, तो आपको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इसको torr में कन्वर्ट कर लीजिए या इसको एटमॉस्फेयर में. torr इज इक्वल टू mm ऑफ hg, मैंने बताया था. ठीक है, torr क्या था, mm ऑफ hg था. टॉर इज इक्वल टू एम एम ऑफ जी, तो इसको 760 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द प्रेशर इन एम इन टॉर. ठीक है, अब कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन द स्टॉप कॉक इज ओपन. अब होगा क्या बच्चों,
जब स्टॉप कॉक आप ओपन करेंगे तो डिफ्यूजन हो जाएगा. अगर आपको याद है डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, देयर विल बी अ मिक्सिंग ऑफ गैस. क्या हो जाएगा? मिक्सिंग ऑफ गैस हो जाएगा. द गैस हीलियम विल मूव फ्रॉम बल्ब ए टू बल्ब बी एंड आर्गन विल मूव फ्रॉम बल्ब बी टू बल्ब ए. तो ये मिक्सिंग हो जाएगा. तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक? वेरी गुड है, वेरी गुड रक्षित. एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आर्गन गैस आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आर्गन आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक? वो भी कितना होगा? 2.5 नहीं होगा, 3.75 होगा. क्योंकि अब क्या होगा, गैस का जो टोटल वॉल्यूम होगा, आर्गन क्या करेगा, इस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा और हीलियम भी इस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा. सो द वॉल्यूम विल बी 3.75. अब आप ऐसे सोचिए कि एक रूम में एक ही बच्चा है. लेट्स सपोज एक रूम में एक ही बच्चा है, वो इधर उधर घूम रहा है. ठीक है, एक रूम में एक बच्चा इधर उधर घूम रहा है, तो प्रेशर किसकी वजह से है? उसी बच्चे की वजह से, क्योंकि वो इधर उधर घूम रहा है, दीवार पे टकरा रहा है, उसकी वजह से कुछ प्रेशर डेवलप हो रहा है. ठीक है, अब सपोज वहां पे एक और बच्चा आ जाए, एक और हाइपर एक्टिव किड आ जाए, दो बच्चे आ जाए, अब उनकी वजह से क्या होगा? अब उनकी प्रेशर किसकी वजह से होगा? दोनों बच्चों की वजह से होगा, दोनों स्टूडेंट्स की वजह से होगा. राइट, ठीक है. ऐसे सोचिए कि ये एक रूम है, इसमें एक ही किड है, हाइपर एक्टिव किड है, जो इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, उसकी आंख पे पट्टी बंधी हुई. ऐसे सोचिए हमने आंख पे पट्टी बांध दी है, वो इधर उधर टकरा रहा है, वॉल से टकरा रहा है, टकराने की वजह से कुछ प्रेशर डेवलप हो रहा है. लेट्स सपोज वो प्रेशर पी है. अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हमने एक और स्टूडेंट वहां पे, एक और हाइपर एक्टिव किड उस रूम में छोड़ दिया. अब उस पे आंख पे पट्टी बंधी हुई है, ठीक है ना, डार्क में है वो, तो वो भी इधर उधर टकरा रहा है, वॉल से टकरा रहा है, कभी आपस में टकरा रहा है. उसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? पीवी. तो व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर बच्चों? व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर? दैट इज व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर एनीबॉडी? पीए प्लस क्या होगा? पीवी होगा. क्या होगा? पीए प्लस पीवी होगा. ठीक है ना. सो दिस मीन्स जो यहाँ जो पीटी होगा वो प्रेशर ड्यू टू हीलियम गैस होगा और प्रेशर ड्यू टू क्या होगा? आर्गन होगा. अब इसका मतलब अगर हम प्रेशर हीलियम का कैलकुलेट कर लें और प्रेशर आर्गन का कैलकुलेट कर लें सेपरेटली, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? पीटी कैलकुलेट मिल जाएगा हमें, फाइनल प्रेशर मिल जाएगा. अब ये पी कैसे मिलेगा? प्रेशर ऑफ हीलियम यहाँ पे लगा देंगे बॉयल्स लॉ, इसके लिए भी लगा देंगे बॉयल्स लॉ. P1V1 is equal to P2V2 और यहाँ भी P1V1 is equal to P2V2 लगा देंगे. अब इनिशियल प्रेशर हमें पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल प्रेशर हमें इसका निकालना है हीलियम का. व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम? V2 क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्हाट वी विल राइट? V2 बच्चों. व्हाट वी विल राइट? V2 3.75. क्या लिखेंगे? 3.75. इसका भी हमें P1 पता है, V1 पता है, V2 हमें कैलकुलेट करना है, और इसका V2 क्या लिखेंगे? What should I will write the V2? इसका V2 क्या होगा? 3.75 हो जाएगा. तो यहां से क्या हो जाएगा? ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फाइनल प्रेशर मिल जाएगा. तो यहाँ पे यही मेंशनड है, आप देख सकते हैं. एज अ स्टॉप कॉक इज ओपन बोथ द गैस विल मिक्स, HE विल मूव टूवर्ड्स बल्ब बी एंड आर्गन विल मूव टूवर्ड्स बल्ब ए. तो पीटी हो जाएगा हीलियम, प्रेशर ड्यू टू हीलियम प्लस प्रेशर ड्यू टू आर्गन. पीटी इज टोटल प्रेशर. ठीक है, नाउ कैलकुलेट द पी एंड पी आर्गन यूजिंग बॉयल्स लॉ एज टेम्परेचर एंड मोल्स आर कॉन्स्टेंट. अमाउंट कॉन्स्टेंट है, कोई लीकेज नहीं है. तो हम हीलियम के ऊपर बॉयल्स लॉ लगाएंगे और आर्गन के ऊपर बॉयल्स लॉ लगा देंगे. तो हमने क्या करा, वही P1V1 इज इक्वल टू P2V2 लगा दिया. याद रखेंगे प्रेशर की यूनिट सेम रखेंगे. यहाँ पे मैंने 760 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको टू कन्वर्ट इनटू टॉर. तो 760 इनटू 0.3 इनटू वॉल्यूम इनिशियल दैट इज 1.25 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर ऑफ हीलियम इनटू कितना? 3.75. तो यहाँ जो प्रेशर आएगा हीलियम का वो कितना आएगा? 76 टॉर. कितना आएगा? 76 टॉर. और ऑन अप्लाइंग आर्गन तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, इसका टॉर में था तो यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं, तो इंटू 2.5 इंटू प्रेशर ऑफ आर्गन इंटू 3.75. तो यहाँ से जो प्रेशर आ गया वो कितना आ गया? 3.75.
दोनों को जब ऐड कर देंगे तो जो टोटल प्रेशर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2.31, कितना मिलेगा 2.31। हाँ, प्रेशर का रोहन, प्रेशर की यूनिट कोई सी भी ले सकते हो, बट बोथ साइड बेटा सेम होना चाहिए, बोथ साइड सेम होना चाहिए। और दूसरी बात, जो प्रेशर बल्ब, जो यूनिट प्रेशर बल्ब ए का होना चाहिए वही प्रेशर की यूनिट बल्ब बी का भी होना चाहिए, ठीक है। मेक इट नेसेसरी, ठीक है ना, कीप द प्रेशर और यूनिट ऑफ प्रेशर ऑफ बल्ब ए शुड बी सेम एज यूनिट ऑफ प्रेशर ऑफ बल्ब बी, या जो भी है, क्या वॉल्यूम एमएल में है या लीटर में है, तो दोनों एमएल में होना चाहिए, राइट। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम व्हेन बोथ द बल्ब कंटेनिंग द गैस बट दे आर एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। हमने सेपरेटली क्या करा, दोनों का प्रेशर कैलकुलेट कर लिया यूजिंग बॉयल्स लॉ, कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल था। हमने पहले भी बॉयल्स लॉ लगाया, दूसरे भी बॉयल्स लॉ लगाया और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आप पिछले से रिलेट कर सकते हैं, पहले वाले में सिर्फ एक ही गैस था, तो वहां पे हमने बॉयल्स लॉ लगाया एक बार, यहाँ बॉयल्स लॉ दो पे लगाएंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड विद केस नंबर वन, ठीक है ना। मुस्कान, यू आर सेइंग ना हाउ इट इज रिलेटेड विद केस नंबर वन, that is now it is clear to you, ठीक, right? Now, ठीक है, please हाँ, आप इस question को solve करेंगे बेटा, हाँ, try to solve this question on your own, हाँ, ये आपके लिए मैंने question दिया हुआ है, try to solve this question, right? पहले A bulb है, ठीक है, A bulb में कितना है, nitrogen है और दूसरे में carbon monoxide है। नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में रिएक्शन नहीं होती है, सो डोंट वरी अबाउट द रिएक्शन, ठीक है, राइट। कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन, प्रेशर कैलकुलेट करना है व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन। अवेनूर चेक योर नेट बेटा, हाँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वॉल्यूम कितना है 200 ml, प्रेशर 0.5 atm, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, सॉरी वॉल्यूम है 1 liter और प्रेशर है 1 atm। So tell me the correct answer. What is the correct answer when to calculate the pressure when stop cock is open? देखते हैं कौन बताता है। जिसने भी 1.5 बताया है, तो wrong answer, हाँ। Pressure average नहीं होता है कि pressure दोनों का sum कर दिया। Volume can be taken as sum, but pressure sum नहीं होता। Pressure is not an additive property. नहीं अंकित, wrong answer है। अंकित राज, wrong answer है। हाँ, आदित्य का आंसर लगभग सही है, आदित्य का आंसर नहीं, मुस्कान गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर है, रोहन रॉन्ग आंसर है, हाँ आदित्य यू गॉट ऑलमोस्ट गॉट द राइट आंसर, हाँ रुद्र का लगभग सही आंसर है, रुद्र का सही आंसर नहीं, शिवम आंसर रॉन्ग है, हाँ हर्ष राणा करेक्ट आंसर बेटा, हर्ष यू गॉट द एक्सीलेंट आंसर, यू गॉट द एग्जैक्ट आंसर, the exact answer is 0.9166 atm, so the correct answer is 0.9, jiska bhi 1 ke paha 0.9166 is the correct answer beta, so if you able to see it, maine kya kara yahan pe kya kara, approach 1 likha hua hai, theek hai, dekhiye p1 pehle bulb a pe p1 v1 is equal to p2 v2 laga diya, to pressure of nitrogen kitna hai 0.0833, fir bulb b pe lagaya to pressure kitna hai 0.833, दोनों को ऐड किया तो 9.9166 आया। टेल मी बच्चों, टेल मी किसका सही आंसर आया था बेटा, हर्ष का सही था, आदित्य का लगभग सही आंसर था, ठीक है ना, मुस्कान का सही था, अभय का सही था, ठीक है, अभय नूर का सही था, नीरज का सही आंसर है, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास बट ओनली 10 or 12 स्टूडेंट आर गिविंग द रिप्लाई, आई डोंट नो व्हाई The rest of students are setting ideal or not ideal. अभिषेक ने आंसर सही दिया है, राघव का आंसर सही है। देखिए बच्चों, हाँ प्लीज, हाँ जस्ट होल्ड ऑन योर पेन फॉर अ मिनट, हाँ ठीक है, ओके साई, ठीक है, राइट, जस्ट होल्ड ऑन योर पेन, अभी पेन को होल्ड करेंगे, नो नीड टू राइट एनीथिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ये सेकेंड अप्रोच बता रहा हूँ, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ अनदर अप्रोच, दूसरी क्या अप्रोच हो सकती, हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम By using another approach, ठीक है ना, तो ये first approach है, ये हमने सीख लिया है। Now मैं अब आपको second approach बता रहा हूँ,
कि सेम प्रॉब्लम को यू कैन सॉल्व विद अनदर मेथड, ठीक है, कैसे देखिए. नाउ इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट लिसन इट, डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है. राइट, सो सेकेंड अप्रोच क्या है, देखिए, जब स्टॉप कॉक ओपन होगा सो द गैस विल मूव. ऐसा सोचिए, ठीक है ना, गैस कहां से मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, इतना बताइए बच्चों मुझे, गैस कहां से मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है ना. अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखिए यहां, ठीक है, तो क्या होगा, अब मुझे बताओ यहाँ पे किसका, बल्ब ए या बल्ब बी, किसका प्रेशर ज्यादा है, बल्ब ए की बल्ब बी का, किसका प्रेशर ज्यादा है, बल्ब बी का प्रेशर ज्यादा है, 180 एम है और ये कितना है 0.5. सो दिस मींस हम ऐसा एज्यूम करते हैं या मानते हैं कि जो सीओ है वो मूव करेगा फ्रॉम बल्ब बी टू बल्ब ए की तरफ और ये उधर नहीं जाएगा, ये उधर नहीं जाएगा क्योंकि प्रेशर इधर ज्यादा है, ये इसको धक्का देगा इस तरफ, तो जो सीओ है वो इधर से उधर जाएगी, एन टू उधर से इधर नहीं आएगा, ऐसा मानते हैं, ठीक है ना, राइट. या वो अभी हम देखते हैं उसको, राइट. अब देखिए क्या है, या ऐसे सोचिए, ठीक है ना, हाँ, या ऐसे सोचिए, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इनिशियल जो मोल्स होंगे दोनों के, राइट, क्या है, इनिशियल जो मोल्स होंगे दोनों के, राइट, वो मोल्स क्या होंगे, फाइनल के बराबर होंगे कि डिफरेंट होंगे दोनों के, मुझे इतना बताओ, इनिशियल मोल्स विल बी इक्वल टू फाइनल मोल्स, ट्रू और फॉल्स, इनिशियल मोल्स विल बी इक्वल टू फाइनल मोल्स, ट्रू और फॉल्स, ये क्या होगा, ट्रू होगा, वेरी गुड, क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ क्या होगा, दोनों तरफ क्या है, ठीक है, दोनों तरफ हाँ, दो क्योंकि कोई लीकेज नहीं है तो दोनों तो क्या करेंगे, इसका मतलब दोनों गैस क्या होगा, उनका जो अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल मोल्स निकालते हैं और इक्वल टू फाइनल मोल्स रख देते हैं. इनिशियल मोल्स मतलब जब क्या है, दोनों अलग अलग वेसल में है, ठीक है ना, बल्ब में है, और जब हमने ओपन कर दिया तब जो मोल्स है, ठीक है, दोनों को इक्वल कर देते हैं. तो यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने वही लिखा था, गैस विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बट टोटल मोल्स बिफोर, टोटल मोल्स बिफोर ओपनिंग, मैंने यहाँ बिफोर बिफोर दो बार लिख दिया है, बिफोर ओपनिंग स्टॉप कॉक इज टोटल मोल्स आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक. अब देखिए यहाँ एन टू कैसे निकाला हमने, देखिए क्या करा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना, क्या लगाया, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो देखिए क्या है, पी हमें पता है, हाँ पी हमें पता है, V हमें पता है, R पता है, P मैंने ऐसे T लिख दिया यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करेंगे तो 1.21 अपॉन T आएगा. सिमिलरली जो CO है वो हमने कैलकुलेट किया, प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, R इंटू T, T को ऐसे ही रखा, तो ये कितना गया 12.18. तो NI इज इनिशियल मोल्स, NI क्या है, इनिशियल मोल्स, तो 1.21 अपॉन T प्लस 12.18 अपॉन T, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 13.39 अपॉन टी आ जाएगा, ठीक है, राइट. अब इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू फाइनल मोल्स होंगे, सो दिस मींस क्या हो जाएगा, फाइनल मोल्स भी किसके बराबर होगा, 13.39 अपॉन टी, ठीक है. अब ये तो फाइनल मोल्स आ गए, अब देखिए क्या है, अब ये जो फाइनल मोल्स है ये हमने कैलकुलेट किया यूजिंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, किससे कैलकुलेट किया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो ये जो एन है वो मैंने क्या लिखा, एन एफ इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी, n इज इक्वल टू क्या होगा, पीवी अपॉन आर टी, तो p हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि हमने अब स्टॉप कॉक ओपन कर दिया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, क्योंकि टोटल वॉल्यूम हो गया, तो ये 1 लीटर है, ये 0.2 लीटर है, तो टोटल वॉल्यूम होगा 1.2 लीटर, t इंटू आर कैंसिल करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो प्रेशर कितना आएगा, 0.9166 ही आएगा. तो जो आपने अप्रोच 1 से निकाला था वही अप्रोच 2 से भी निकाला, यहाँ पे हमने मोल्स को कंजर्व कर दिया, क्या कर दिया, मोल्स को कंजर्व कर दिया, ठीक है ना, राइट, क्या करा हमने, मोल्स को क्या कर दिया, कंजर्व कर दिया और यूजिंग कैलकुलेटेड क्या, कैलकुलेटेड द प्रेशर, ठीक है. आप कोई से भी यूज कर सकते हैं जो आपको आसान लगती हो,
राइट बाद में मैं बताऊंगा ये अप्रोच कहाँ पे यूज होगी या कहाँ पे ज्यादा बेनिफिशियल होगी सेकंड अप्रोच. अभी अगला केस वही है वो हम अभी डिस्कस करेंगे ठीक है राइट. हाँ जी अभी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डोंट वरी अबाउट इट. बट दोनों अप्रोच से यहां तक आंसर सेम आएगा ठीक है. आप कोई सी भी अप्लाई कर सकते हैं बट इसके आगे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है जहां पे रिएक्शन हो रही हो. अब मैं इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं. अगर क्या है दोनों तरफ गैसेस हैं और उनके बीच में रिएक्शन हो रही हो तब आपको अगर पूछे कि फाइनल प्रेशर बताइए क्या होगा तब कौन सा मेथड यूज हो ज्यादा बेनिफिशियल होगा सेकंड अप्रोच वाला. आदित्य यू गॉट द आंसर. अभयनूर यू गॉट द आंसर. अभयनूर ठीक है राइट. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर दोनों तरफ गैस हैं और वो रिएक्ट करती हो क्या करती हो वो दोनों गैस रिएक्ट कर रही हूं आपस में तो रिएक्ट कर रही होंगी तो उस केस में सेकंड अप्रोच विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ठीक है ना. मैं रिपीट कर रहा हूं सेकंड मेथड हमने क्या करा इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू फाइनल मोल्स कर दिया. इनिशियल मोल्स हमने निकाल दिए इसके और इसके. इनिशियल मोल्स बिफोर मिक्सिंग का मतलब तो हमने क्या करा दोनों के मोल्स निकाल दिए तो मोल्स कितना आया 13.39 अपॉन टी. अगर टी गिवन है तो कोई बात नहीं. अगर आप यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे अगर आप टी नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. डोंट राइट इट टी ऑल्सो क्योंकि फाइनल आप देख सकते हैं टी कैंसिल हो गया. तो इफ यू डोंट वॉन्ट टू राइट द टी डोंट राइट द टी. कोई जरूरत नहीं है टी लिखने की. टी विल गेट कैंसिल आउट. हाँ टी कॉन्स्टेंट है और टी कैंसिल भी हो जाएगा सो डोंट राइट इट. तो आप क्या करें प्रेस मोल्स कैलकुलेट कर लिए दोनों के दोनों वेसल में यूजिंग पीवी इक्वल टू एनआरटी. तो फाइनल मोल्स इनिशियल मोल्स टोटल मोल्स कितने मिल गए 13.39 अपॉन टी. और हमें पता है इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू फाइनल मोल्स होंगे मिक्सिंग के बाद भी तो वही फाइनल मोल्स कितने हो गए 13.39 अपॉन टी. अब ये एन फाइनल हमने आइडियल गैस इक्वेशन से क्या निकालेंगे हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो पी क्या मिलेगा फाइनल वी क्या मिलेगा फाइनल और टी तो कॉन्स्टेंट है. तो P final मतलब P total after mixing, V final कितना हो गया 1.2 ठीक है ना. टोटल वॉल्यूम क्योंकि 1 प्लस कितना है 0.2 लीटर है तो 1.2 T into 0.08 प्रेशर इतना आ जाएगा. शांतनु आपको क्लियर है आपने दोबारा बोला था रिपीट करने के लिए. ठीक है अरे भाई वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक अभी नहीं कर पाओगे आदित्य उसकी छोड़ दो अभी आप. अभी आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती है ठीक है वो बाद में आप कर लेना उसको ठीक है. वो एक्सोथर्मिक होगा एंडोथर्मिक होगा इंटरनल एनर्जी क्या होगा वो सब बात की बात है वो अभी आपको नहीं आएगा जब हम वो कर लेंगे. हाँ ठीक है जिसने भी पूछा था ठीक है एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो वो बात की बात है ठीक है ना. उसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ेगी जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे उसको ठीक है राइट. तो सेकंड अप्रोच में हमने क्या कर दिया इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू क्या कर दिया फाइनल मोल्स कर दिया राइट. अब क्या है देखिए यहाँ इसी केस में मैं इसी केस में क्या कर रहा हूं इस नाइट्रोजन के जगह हम ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं. देखिए यहाँ इसकी सेम क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाइट्रोजन आई यूज ऑक्सीजन. हमने ऑक्सीजन ले लिया तब मुझे बताओ क्या रिएक्शन होगी क्या रिएक्शन होगी. यस yes. तब क्या होगी रिएक्शन होगी क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और CO2 बनाएगा. उस केस में ये जो सेकंड तरीका है ये ज्यादा यूजफुल रहेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन ठीक है. अब देखिए क्या है ध्यान से देखिए क्या करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे. हाँ ठीक है अब प्लीज हाँ डोंट यूज योर पेन जस्ट लिसन इट. क्या है हम क्या करेंगे वही यूजिंग इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. हम क्या करेंगे मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे ऑक्सीजन के. किसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन के. तो ऑक्सीजन के मोल्स इतने ही आएंगे 0.21. मैं टेम्परेचर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मोल्स ऑफ O2 कितने आएंगे 0.21 और मोल्स ऑफ CO कितने थे 12.18. अब क्या है दोनों के मोल्स गिवन है. मुझे बताओ अगर दोनों के मोल्स गिवन है तो क्वेश्चन क्या होता है किस चीज का क्वेश्चन होता है. मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था अगर दोनों के मोल्स गिवन हो तो ये कॉन्सेप्ट किसका होगा ये कॉन्सेप्ट किसका होगा अगर दोनों के मोल्स. हाँ हर्ष का आंसर सही है. किसका आंसर है
लिमिटिंग रिएजेंट का, स्टाइकोमेट्री का नहीं, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होगी और रिएक्शन में दोनों के इंफॉर्मेशन गिवन है हमें. सो क्या मुझे बता सकते हैं इन दोनों में, राइटिंग द इक्वेशन लिख के, आप इक्वेशन लिखिए इन दोनों की, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की लिखिए, रिएक्शन लिखिए दोनों की, इसकी और इसकी, ऑक्सीजन की और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन लिखिए और मुझे बताइए हाँ ये दोनों मोल्स हैं इन दोनों के, ये ऑक्सीजन के मोल्स हैं ये वाले और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, देखते कौन बताता है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है. O2 is a limiting reagent. अरे यज्ञ बेटा, यज्ञ CO नहीं है, O2 is a limiting reagent. क्या है O2, क्या है limiting reagent है, ठीक है. देखिए अब क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा है केस नंबर थ्री. नाउ वॉट इफ N2 इज रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन, क्या होगा, नाउ वॉट इफ N2 इज रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन गैस, कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन. देखिए Now if bulb A is containing O2, when stop cock is open, it will react with CO from a bulb B. Okay? Since the number of moles of O2 is less than CO, therefore O2 is a limiting reagent and get fully consumed. मतलब O2 अब reaction के बाद हमें दिखाई नहीं देगा. इसका मतलब जो pressure है due to O2 क्या होगा after mixing, कौन बताएगा? What will be the pressure due to O2 after the mixing? वो क्या होगा? Zero. Rohan का आंसर सही है. क्या होगा? Zero. क्योंकि O2 खत्म हो चुका होगा. तो limiting agent निकालने का तरीका आपके सामने था. कैसे करते थे? हमने reaction लिख दी, completely balanced reaction लिख दी. 2CO plus O2 gives 2CO2. ठीक है? फिर 112.18 डिवाइड बाय कोफिशिएंट 2 कर दिया, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये बड़ी वैल्यू है तो ये ER हो गया, ये LR हो गया. अब हमने क्या कर दिया, ठीक है, मोल्स इक्वल कर दिए, तो मोल्स ऑफ CO डिवाइड बाय 2, मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 1, तो हमने मोल्स ऑफ CO निकाल दिया, कितना है 2.42. तो ये जो मोल्स आते थे ये क्या आते थे, मोल्स ऑफ CO रिएक्टेड, जो रिएक्ट कर गए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. आप देख सकते हैं इसके एक मोल से इसके दो मोल रिएक्ट करेंगे तो इतने से कितना करेगा इसका डबल, तो डबल कितना आएगा 2.42 आएगा. आप यहां से भी देख सकते हैं इसके वन मोल से इसके कितने मोल करेंगे 2, तो 1.21 से कितने करेंगे 2.42, तो CO रिमेनिंग कितना मिलेगा 9.76. अब CO का मोल्स मिल गए, अब एक ही गैस है, हमें सब कुछ पता है, नाउ वी कैन कैलकुलेट प्रेशर यूजिंग PV इज इक्वल टू NRT. तो P into volume कितना मिल गया, total 1.2, 9.76. temperature given नहीं था, तो आप यहाँ पे temperature अगर हम solve भी करते तो upon T आता, तो मैंने upon T लिख दिया है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो भी नहीं सकते. into 0.08 into T, ये T और ये T cancel हो जाएगा, pressure कितना मिलेगा 0.667 atm मिलेगा, जब दोनों के बीच में क्या होगा reaction होगी. ठीक है, तो ये सारे बहुत अच्छे केसेस हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर, आप देख भी सकते हैं. ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक मैं अलग से डिस्कस करा रहा हूँ. ठीक है अब मुझे ऑनेस्टली बताइए बच्चों, ये क्लियर है ना आप लोगों को, ऑनेस्टली बताइए क्लियर है ना. ठीक है, राइट. अब लास्ट केस है बच्चों, केस नंबर 4. क्या है केस नंबर 4? ठीक है, राइट. अब देखिए यहां केस नंबर 4 क्या है, अब ये लास्ट केस है, इसको ध्यान से देखिए यहां. ठीक है, पहले सुनेंगे यहां जो मैं बता रहा हूं वो आप सुनेंगे, उसके बाद नोट नहीं करेंगे, राइट. देखिए क्या है, इफ टेम्परेचर ऑफ बोथ द बल्ब आर डिफरेंट, अगर दोनों बल्ब के टेम्परेचर क्या है इस बार डिफरेंट है, ठीक है ना, कितना है, सेम केस है, वही वाला केस है, पहला रिएक्शन नहीं हो रही यहाँ पे, देयर इज नो रिएक्शन, वही केस है, N2 और CO इंफॉर्मेशन सेम है, 200 ml इसका 1 लीटर था, मतलब 1000 ml, 0.5 atm और 1 atm. इस बार मैंने टेम्परेचर यहाँ गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस और ये है 127 डिग्री सेल्सियस. ठीक है,
अब मुझे ये बताओ, ठीक है ना, कि यहाँ पे जब स्टॉप कॉक ओपन हो जाएगा तो प्रेशर क्या, टेम्परेचर क्या होगा? क्या टेम्परेचर एवरेज होगा या टेम्परेचर इसके, इसका अगर निकालेंगे 300 और ये कितना हो जाएगा 400, तो क्या होगा टेम्परेचर? क्या आप गेस कर सकते हैं व्हाट विल बी द टेम्परेचर? विल बी द एवरेज ऑफ टू, क्या होगा? एड करेंगे, एवरेज करेंगे टेम्परेचर को? नहीं, कभी भी टेम्परेचर का एवरेज नहीं करते बच्चों, याद रखेंगे। मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज याद रखेंगे हाँ इस बात को। वही प्रॉपर्टीज एडिटिव होती हैं, वही प्रॉपर्टीज एडिटिव होती हैं जो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती हैं। सो दोज प्रॉपर्टीज आर एडिटिव विच फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जैसे वॉल्यूम कंजर्वेशन को फॉलो करता है, मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करता है, बट टेम्परेचर फॉलो नहीं करता है। हम टेम्परेचर को कभी भी एड नहीं करेंगे, ना ही हम एवरेज लेंगे, ठीक है? तो पहली बात ये ध्यान में रखना है। अब टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट है, राइट? अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या है, ठीक है? पहली बात तो टेम्परेचर कभी एवरेज नहीं लेंगे, ठीक है ना, राइट? अब मुझे बताओ वॉल्यूम क्या होगा, जो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? V1 प्लस V2, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? P1 प्लस V2, फाइनल वॉल्यूम 1200 ml होगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, प्लीज याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। वॉल्यूम एडिटिव तभी होती है जब हम वॉल्यूम दोनों को ऐड करते हैं, ये तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो या कांस्टेंट हो, सेम हो, तभी V1 V2 जो फाइनल लिखेंगे वो V1 प्लस V2 लिखते हैं। इफ टेम्परेचर इज डिफरेंट देन वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम एडिटिव तभी होगा व्हेन बोथ द बल्ब हैविंग अ सेम टेम्परेचर। तो इससे पहले जितने भी केस थे वॉल्यूम हमने तभी ऐड किया जब टेम्परेचर क्या था, सेम था। यहाँ टेम्परेचर सेम नहीं है तो वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जब टेम्परेचर दोनों का अलग अलग होगा तो याद रखेंगे मिक्सिंग के बाद भी ये जो वेसल है ये एक सेपरेट वेसल की तरह बिहेव करेगा, और ये जो बल्ब है ये भी एक सेपरेट बल्ब की तरह बिहेव करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, व्हेन टेम्परेचर इज डिफरेंट देन बोथ द वेसल विल बिहेव एज अ सेपरेट वेसल या सेपरेट बल्ब की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है ना, राइट? अब एक और बात, ठीक है ना, अब इम्पोर्टेंट बात एक और, वो फिर हम क्वेश्चन के पास जाएंगे। देखिए क्या है, राइट, अगर ऐसे सोचिए, ठीक है ना, इसका प्रेशर ज्यादा है, ठीक है ना, राइट, तो गैस मूव करती हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कहाँ मूव करती, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ऐसा सोचिए कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता, ठीक है ना, अगर लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर में 127 लिखता और इसका 27 लिख देता, तब क्या होता, नाइट्रोजन इधर से उधर जाता। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि व्हाट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, प्रेशर और टेम्परेचर, कि गैस हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। व्हाट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर विल बी प्रेशर नॉट टेम्परेचर। याद रखेंगे डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहेगा, हमेशा ही प्रेशर होगा, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में रहता है, राइट, ठीक है, डायरेक्शनल होता है प्रेशर इधर से उधर, बट टेम्परेचर नॉन डायरेक्शनल होता है। आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैस मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक बढ़ने की वो चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमने लगेंगे, वाइब्रेशन हो जाएगी, बट ये हाई प्रेशर की वजह से एक इधर जाएगा। तो याद रखेंगे क्या होता है, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही अलग अलग हो तो प्रेशर विल डिसाइड कि गैस किधर से किधर जाएगी, राइट? तो अगर इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैं यहाँ 127 लिख देता और यहाँ 27 लिखता, तो मुझे बताओ कौन सी गैस किधर से किधर जाती, CO इधर से इधर जाता कि N2 मूव करता, विच गैस विल मूव। मैं यहाँ 127 लिख देता तो कौन सी गैस मूव करती, CO विल मूव, कौन सी गैस मूव करती,
CO मूव करती क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, अब क्या है देखिए ध्यान से, इसका प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, इसके मोल्स निकालने हम, और इसका भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर गिवन है, इसके मोल्स निकालने, दोनों के मोल्स निकाल लिए। अब लेट सपोज CO के जो जितने मोल्स आ रहे थे उससे x मोल बल्ब B से बल्ब A की तरफ चले गए, तो इसका मतलब इसके जो मोल्स मिलेंगे वो मोल्स क्या मिलेंगे, N2 के जो मोल्स थे प्लस कितने x, और इसके जो मोल्स मिले थे वो कितने थे CO के मोल्स माइनस कितने x। और अब इस पे फिर से PV is equal to nRT लगा देंगे इन दोनों वेसल पे और दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा बस। ठीक है, यही करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे यही सब लिखा है, मैं अब रीड कर रहा हूँ। When temperature of a bulb are different, then both the vessel will act as a separate container. ठीक है, there is no relation with each other. कोई relation नहीं होगा इनके बीच में. Also, final volume will not be equal to V1 plus V2. Volume can be additive only when temperature is constant. Temperature constant होगा तभी volume additive होती है. Also, here temperature and pressure are different, but dominating factor will be a pressure. Dominating factor क्या होगा, pressure. The gas will move from high pressure to low pressure. ठीक है, अब suppose x moles of CO moves from bulb B to bulb A, ये x जो मैंने लिखा था, so this means यहाँ पे जो moles हो जाएंगे n of CO minus x और n of N2 plus x. अब क्या करेंगे, पहले initial moles निकाल दिए दोनों के using PV is equal to nRT. तो हमें सब पता है, pressure पता है, volume पता है, temperature पता है, तो initial moles कितने आ गए nitrogen के 0.0041, CO के कितने आगे 0.0340. अब यूजिंग क्या है, बल्ब ए और बल्ब बी में फिर से हमने PV is equal to nRT लगा दिया आफ्टर मिक्सिंग, जब हमने ये ओपन कर दिया तब, तो इसके मोल्स कितने हो गए थे, जो मोल्स ऑफ ये थे प्लस एक्स, और इसके मोल्स कितने हो गए दिस माइनस एक्स, तो P हमें पता नहीं है क्योंकि फाइनल प्रेशर हमें निकालना है। P इंटू कितना, इसका वॉल्यूम कितना था 0.2 लीटर, इंटू कितना फाइनल मोल्स, इंटू आर इंटू टी, और पी इस पे लगा दिया पी इंटू वन दिस इंटू दिस, राइट, और ये क्या करेगा, दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो ये सब पी से पी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक ही वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 0.005, और एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दे, यहाँ पुट कर दे, तो जब आपने इस वैल्यू में मैंने सेकेंड इक्वेशन पुट कर दिया तो जो प्रेशर आया वो कितना है 0.7 atm आया, कितना है 0.7 atm आ जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम व्हेन टेम्परेचर आर डिफरेंट, जब टेम्परेचर डिफरेंट होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ये आपके सामने। ठीक है, तो प्लीज आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, राइट, ठीक है, एनीबडी वांट्स टू नोट इट डाउन, नोट कर लेंगे, ठीक है, राइट, समझ में आया बच्चों, यस या नो, ये अच्छे क्वेश्चन है बेटा, मैंने इसीलिए सारे बल्ब के प्रॉब्लम जो है वो अलग से डिस्कस कराए हैं, ठीक है ना, और इसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, हाँ खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, तभी भी आपको लगता है कोई डाउट है आप आज करके देखना, अपने आप सॉल्व करना, इफ यू स्टिल फाइंड डिफिकल्टी इन सॉल्विंग एनी कॉन्सेप्ट या डूइंग एनी कॉन्सेप्ट या डूइंग एनी प्रॉब्लम, यू लेट मी नो टुमारो वी विल रिपीट इट, मैं कल कोई भी जो आपको नहीं समझ में आया होगा कल मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है राइट। दूसरी बात बेटा क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ या कुछ दे रहा हूँ, प्लीज ऑनेस्टली आप उसको ट्राई करिए, करने की कोशिश करिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका कमांड नहीं बनेगा बेटा सब्जेक्ट पे, हाँ, और आप जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल ही आने वाला है, आप इतने सारे अब तक टेस्ट दे चुके हैं, तो मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखे दिखाए मिल जाएंगे, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है इसमें ऐसे करना है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें ऐसे करना है, यू कैन इजिली सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। सो आज मैं आपको एक DPP दूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दैट और गिव मी, शाम तक आप मुझे उसके डाउट भेज देना, सो दैट जो भी डाउट होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कल हम डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है राइट। आप लोगों सभी को वीडियो लेक्चर मिल गया था बेटा कल का, जो मैंने कल किया था, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा सभी को अभी।
चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। ओके सर, ओके।